साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे सोमाली। साथियों सोमाली हर्बल मेडिसिन कम्प्लीटली सेफ, 100% आयुर्वेदिक कप सीरप है साथियों, ट्रूली सेफ है और इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है, ट्रस्टेड कप सीरप है साथियों। साथियों ऋषि फार्मेसी जो है कंपनी का ये प्रोडक्ट है साथियों, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन जानेंगे कि ऋषि फार्मेसी सोमाली आयुर्वेदिक कप सीरप है क्या, साथ ही साथ इसके यूजेस एंड बेनिफिट की बात करेंगे, डायरेक्शन फॉर यूज कहने का मतलब है डोज की बात करेंगे, सेफ्टी इन्फॉर्मेशन साइड इफेक्ट की बात करेंगे, साथियों एमआरपी की बात करेंगे और बेस्ट कंपोजिशन इसमें क्या क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों सबसे पहले बात करेंगे डिस्क्रिप्शन की, ऋषि फार्मेसी सोमाली आयुर्वेदिक कप सीरप इज ए इफेक्टिव रेमेडी फॉर कफ ऑफ वेरीड एटियोलॉजी। साथियों एटियोलॉजी का मतलब ये होता है कि किसी तरह की खांसी हो, चाहे सूखी खांसी हो, चाहे बलगम वाली खांसी हो, चाहे एंटी एलर्जिक खांसी हो, चाहे जो है जुकाम और कोल्ड के बाद खांसी हो गई हो, उसमें सभी में ये बहुत अच्छा रिस्पांस करने वाला कप सीरप है। साथियों ऋषि फार्मेसी सोमाली कंटेंट्स इसमें होता क्या क्या है वो हम कंपोजिशन में बताएंगे, लेकिन अभी डिस्क्रिप्शन में संक्षिप्त में बताएंगे कि कंटेंट्स सोंठ, सुंथी इसको कहते हैं इंग्लिश में, जिंजिबर ऑफिसिनेल जिसका जो है बायोलॉजिकल सोर्स होता है, साथ ही साथ इसमें एसटी मधु मिला है, कहने का मतलब है 100 टाइम्स स्वीटर देन शुगर, ग्लाइसराइजा ग्लेबरा जिसका बायोलॉजिकल सोर्स है एंड तुलसी मिली है जिसको हम ऑसिमम सैंक्टम कहते हैं बायोलॉजिकल सोर्स है, साथ ही साथ इसमें जो है वसाका मिला है जिसको हम वैसमोल भी कहते हैं एंड अधय टोडा वसाका इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, साथियों एफिड्रा भी मिला है, बहुत सी चीज़ें मिली हैं, कंपोजिशन में बात करेंगे। साथियों ये बहुत ही अच्छी जो है रेमेडी है, ये क्या करती है मतलब हेल्प टू ब्रेक दी लिक्विफाई, जो कफ फेफड़ों में जमा होता है उसको क्या करता है लिक्विफाई कर देता है एंड टीनेसियस कफा एंड फाइनली क्या करता है एक्सपेक्टोरेटेड मतलब कहने का मतलब एक्सपेल मतलब निकालना और ये कफ को निकाल देता है एंड ईजियर आउट ऑफ ए कफ और आसानी से ये निकाल देता है। साथियों ऋषि एक फार्मेसी है, सीतापुर की कंपनी है, बहुत ही अच्छी फार्मेसी है। साथियों इसका 70 रुपये का ये एमआरपी का जो है सीरप है, ये 100 एमएल का सीरप है, ये आयुर्वेदिक एलोपैथिक किसी भी केमिस्ट की दुकान पे जरूर मिल जाएगा। साथियों मैंने इसको खुद आजमाया है, बहुत ही अच्छा इसका रिस्पांस है, खासकर जो है इसमें किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। बच्चों को जो है क्या होता है सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, उसके बाद जो खांसी आने लगती है उसमें बहुत अच्छा ये फ़ायदा करता है। साथियों तो डिस्क्रिप्शन की बात हो गई, यूजेस की बात करेंगे तो साथियों हाईली इफेक्टिव फॉर क्रॉनिक कफ, जैसे जिनको बहुत पुरानी खांसी है और बलगम जब आ रहा है और उनको जो है खांसी आ रही है, खांसते खांसते जो है गले में दर्द होने लगता है और जो है खराश बनी रहती है, सांस फूलने लगती है, ऐसे केस में ये कफ सीरप बहुत अच्छा रिस्पांस करता है एंड फाइट ब्रोंकियल, कहने का मतलब है एलर्जिक लैरेंजाइटिस हो जाती है, एलर्जी की वजह से जो है ब्रोंकियल खांसी होती है, लैरेंजाइटिस लैरेंक्स बढ़ जाते हैं, उसमें सूजन हो जाती है, फेरेंजाइटिस हो जाती है, फायरेक्स बढ़ जाते हैं, फायरेंक्स यहाँ पे होते हैं साथियों, उसमें सूजन हो जाती है, उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस काम करता है। साथियों एक चीज़ और बताऊंगा कि डू नॉट कंटेन कोडीन एंड एल्कोहल, जैसे कि एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं उसमें कोडीन और एल्कोहल होता है, वो बहुत ही नुकसान पहुँचाता है शरीर को, साथ ही साथ क्या होता है उससे सेडेशन होता है कि आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, हैवी मशीनरी नहीं चला सकते हैं कफ सीरप पी के, तो उसमें ऐसा नहीं है साथियों, इसको पी के आप कुछ भी काम करेंगे, साथ ही साथ इसमें क्या होगा सेडेशन नहीं होगा, गारंटी है कि आपकी जो है खांसी ठीक हो जाएगी। साथियों ये कहने का मतलब है इट इज़ ए नॉन हैबिट मतलब फार्मिंग एंड नॉन कॉन्स्टिपेटिंग कफ सीरप है। एलोपैथिक सीरप पीने से क्या होता है उसके साइड इफेक्ट में देखेंगे कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पर इसमें ऐसा नहीं है, इससे आप हैबिटेट नहीं होंगे, हैबिचुअल नहीं होंगे, किसी तरह की खांसी नहीं होगी साथियों, मतलब खांसी ठीक हो जाए, किसी तरह की आदत नहीं पड़ेगी। साथियों नए पुराने श्वास रोग, किसी तरह का रोग हो मतलब खांसी को नष्ट करके, और यह क्या करता है अत्यंत गुणकारी औषधि है, खांसी में आराम पहुंचाती है। साथियों संक्षिप्त में बताएंगे इसको कि कॉमन कोल्ड जैसे हो जाता है एंड ब्रोंकाइटिस हो जाती है, फेफड़ों में क्या होता है नमी भर जाती है और जो है क्या होता है खांसी आती है उसमें बहुत अच्छा, और शोर थ्राट गला चौंक हो जाता है उसमें इसका बहुत अच्छा रिस्पांस है, और नाक जो है ब्लॉक हो जाता है, जैसे ठंड होती है दिसंबर जनवरी का महीना होता है नॉर्थ इंडिया में, और जुकाम से नाक ब्लॉक हो जाती है, ऐसे केस में सोमाली कफ सीरप अगर लें तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, और म्यूकोसा हो जाता है, इसनोफीलिया अगर किसी के बढ़ जाते हैं
तो उसमें भी इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। तो कहने का मतलब है किसी तरह की खांसी हो उसमें बहुत ही लाभदायक ये सिरप है। साथियों इसके डोज की बात करेंगे, डायरेक्शन फॉर यूज की बात करेंगे, तो साथियों ये बच्चों में बहुत अच्छा रिस्पांस है। तो इसका फॉर चिल्ड्रन पहले बताएंगे 2.5 ml से लेके 5 ml, कहने का मतलब है 2.5 to 2, आधा चम्मच या 1 चम्मच दिन में 3 बार, ट्राइस ए डे। साथियों एडल्ट की बात करेंगे तो 5 से 10 ml, 1 चम्मच या 2 चम्मच दिन में 3 बार, या फिर एज डायरेक्टेड बाई फिजिशियन। तो साथियों ये तो डायरेक्शन फॉर यूज एंड डोजेस की बात हो गई। सेफ्टी इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे साथियों, तो जब भी इसको जो है परचेज करें इसकी रीड द लेबल केयरफुल्ली और बच्चों की पहुंच से इसको दूर रखें। एंड साथियों इसका जो है एक्सपायरी जरूर चेक करें जब भी। साथियों इसमें किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है, नो साइड इफेक्ट, 100% सेफ है इसमें, तो साइड इफेक्ट है नहीं। साथियों लास्ट में विस्तार से हम इसके कंपोजिशन की बात करेंगे जब भी परचेज करेंगे। साथियों यहाँ पे कंपोजिशन लिखा है कि ईच 10 ml कंटेन, 10 ml कंटेन इसमें क्या है, बनफसा है, बनफसा जिसको हम वायोला ओडोराटा कहते हैं, जिसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है 110 mg मिला है इसमें। और साथ ही साथ इसमें क्या हुआ है, मुलैठी मिली है जिसको हम जो है ग्लाइसराइचा ग्लेबरा कहते हैं, हिंदी में मतलब मुलैठी कह सकते हैं उसको, या यष्टि मधु कह सकते हैं। एफिड्रा इसमें मिला है साथियों, एफिड्रा बुल्गेरिस जिसका बायोलॉजिकल सोर्स है 220 mg मिला है। वसाका मिला है, कहने का मतलब है एथेटोडा वसाका मिला है। साथ ही साथ इसमें सोंठ मिली है, सोंठ को हम बायोलॉजिकल सोर्स जिंजिबर ऑफिसनेल कहते हैं, 55 mg मिली है। अब काकड़ा सिंघी, काकड़ा सिंघी एक आयुर्वेदिक जो है दवाई है जो कि खांसी में बहुत ही फायदेमंद है। रस सक्सी डेना इसका बायोलॉजिकल सोर्स है 555 ग्राम इसमें मिली है। तुलसी मिला है जिसका बायोलॉजिकल सोर्स ओसिमम सैंक्टम होता है, 33 mg मिली है। साथ ही साथ इसमें छोटी कटेरी मिली है, कटेरी मतलब एक कांटेदार पौधा होता है जिसका बायोलॉजिकल सोर्स सोलेनेसी एक्सेंथोकार्पम जिसका बायोलॉजिकल सोर्स है वो इसमें मिला है। साथ ही साथ इसमें मेंथा पाइपरेटा मिला है, कहने का मतलब है पुदीना मिला है, तो इसमें गले में जो खराश होती है, इचिंग होती है, उससे तुरंत आराम देता है। साथ ही साथ इसमें जो है क्या हुआ है कि यूकेलिप्टस का तेल मिला है, इसके अंदर ऑयल ऑफ यूकेलिप्टस मिला है, एंड इसमें जो है क्वांटिटी सफिशेंट बेस मिला है इसमें। तो कहने का मतलब ये बहुत ही अच्छा सीरप है साथियों, इजली से केमिस्ट की दुकान पे मिल जाएगा साथियों। तो इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।